इस समय आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन से धमाल मचा रखा है। टीम इंडिया की तारीफ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा वायरल हो रखा है वो मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रखे हैं इस समय पूरे सोशल मीडिया पर। बहुत सारी चीजें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को बता देती हैं और अपनी बिंदास जो बातें हैं उनके लिए जानी जाती है। हसीन जहां जी, सबसे पहले तो हसीन जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पे। वर्ल्ड कप देख रही है, क्रिकेट देख रही है थोड़ा बहुत भी? नहीं, मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ। बट जो पोस्ट आपके आ रहे हैं लगातार, ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना सटायर टाइप में हो चाहे ताना कसने वाला, क्योंकि अगर हम पोस्ट तो आप कर देते हैं, नीचे कमेंट पे देखें तो सबको यही लगता है कि टारगेट मोहम्मद शमी है उसका। अब मेरी मर्जी, मैं फन करती हूँ, अपनी लाइफ को बिंदास जीती हूँ, कोई किसी को भी टारगेट समझता रहे मुझे क्या, मुझे तो अपनी जिंदगी जीने से मतलब है। टारगेट वो है कि जबरदस्ती उनको आपकी जिंदगी में अंदर घुसाया जा रहा है? जबरदस्ती मेरी जिंदगी में उसको घुसाया जाता है। तो अभी जो आप क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त, अभी जैसे आप सोशल मीडिया पे तो काफी वायरल रहते ही हैं और अभी आपकी इमेजेस भी बहुत सारी वायरल हुई थी जो दुर्गा अवतार में आप आई थी, तो क्या चल रहा है इस समय जीवन में? जीवन में बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कट रही है, टेंशन फ्री लाइफ जो होती है वो कट रही है। बेबो को लेकर बहुत मस्ती करते हैं, फन करते हैं। हमारे कोलकाता में आपको पता ही है कि पूजा, दुर्गा पूजा को बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा सरा करके मनाया जाता है, तो उस त्योहार को हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बेबो की भी पढ़ाई लिखाई होती है, उसकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारे स्टेज शोज प्रोग्राम वो भी पार्टिसिपेट करती है। तो ऐसे ही हमारी जो एक मतलब एक नॉर्मल लाइफ होनी चाहिए और अच्छी लाइफ होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप तो क्रिकेट नहीं देखती, आपने बता दिया, लेकिन क्या आपकी बेटी क्रिकेट देखती है? क्या वो अपने पिता को टीवी पर देखती है मैच खेलते हुए? हमारे घर में टीवी बहुत कम चलता है, कभी कभी बेबो के जिद के वजह से अगर हमने टीवी चलाया भी तो वो सिर्फ कार्टून ही देखती है, कार्टून में ही उसको इंटरेस्ट है जो सारे बच्चों को होता है। लेकिन क्रिकेट, मैं बेबो और हमारे बच्चे हैं तो हमें किसी को भी क्रिकेट का कोई शौक नहीं है, तो क्रिकेट हमारी टीवी में चलती नहीं। उनके पिता के लिए, शमी के लिए, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है विवाद सबके सामने ही है। हाँ, तो वही तो बता रही हूँ मैं, जब होता ही नहीं है तो चल मतलब वो भी नहीं देखती और उसे भी कोई शौक नहीं है। ऐसे भी मैं बीच बीच में उसे पूछते भी रहती हूँ कि तुम्हें और भी तो कुछ पढ़ाई के अलावा करना पड़ेगा, खाली पढ़ाई और डांस करती हो, अगर कोई गेम में भी इंटरेस्ट हो तो बताओ, तुम क्या क्रिकेट को प्रैक्टिस करोगी? सीधा बोलती है नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है मामा। क्या कभी वो अपने पिता के बारे में आपसे बातचीत करती है, कुछ पूछती है? अभी तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत जब शुरू शुरू में परेशानी हुई थी। और क्या सोसाइटी में जो साथ के बच्चे हैं, क्योंकि आप सभी, आपको भी पता है कि बच्चे हैं, कॉम्प्लेक्स भी होता है, और शमी आपके बीच में विवाद है, लेकिन अब देश इंडियन क्रिकेटर है और इंडियन क्रिकेटर का जो ग्लैमर होता है वो हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया उनको जानती है, बच्चे भी जानते हैं, तो क्या साथी बच्चों के साथ भी वो अब कंफर्टेबल है, या शुरुआत में कुछ लगा था कि नहीं, बच्चे भी उनसे कुछ पूछते थे और वो थोड़ा सा सहम जाती थी या डर जाती थी? ये चीजें शुरू शुरू में फेस करती थी वो, लेकिन अब बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, मतलब वो समझदार भी काफी है, तो अब ये सब प्रॉब्लम उसे नहीं होता। अच्छा, वर्ल्ड कप आप देख तो नहीं रहे, आप क्रिकेट भी नहीं देखती है, लेकिन क्रिकेट से आपका नाता रहा है, क्रिकेटर से आपका नाता रहा है, जो ये टीम खेल रही है उनके खिलाड़ियों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ आपने बहुत समय बिताया है, वर्ल्ड कप जीतते हुए देख रही हैं आप, क्योंकि 7 मैच हुए हैं, 7 के 7 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने जीता था, क्या दिल कह रहा है कि इस बार 2023 में वो कारनामा हो पाएगा? देखिए, जब हम एक भारतीय हैं तो हर एक भारतीय नागरिक का ही ख्वाहिश होती है कि हमारा हर एक गेम में हमारा जो प्लेयर्स है बेस्ट परफॉर्मेंस दे और बेस्ट करे और इतिहास बनाए, तो उस हिसाब से एक भारतीय होने के नाते जरूर मैं चाहूंगी कि इंडियन क्रिकेट टीम जरूर जीते और बहुत अच्छी तरीके से जीते और इतिहास बनाए।
बिल्कुल। और अब मोहम्मद शमी, आप चाहें तो ये सवाल इग्नोर भी कर सकती है। मोहम्मद शमी ने 3 मैच में 14 विकेट लिए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने पिछले में भी बना दिए हैं, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में भी बहुत सारे बना दिए हैं। एक क्रिकेट फैन के तौर पर आप कुछ कहना चाहेंगी, इस पे कमेंट करना चाहेंगी, मतलब पति और पत्नी अगर वो रिलेशन अगर अभी हटा दें तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ, इसलिए क्रिकेटर्स का भी नहीं फैन हूँ और मैं क्रिकेट फैन हूँ, और कितने विकेट लिए क्या लिए ये सब मेरे समझ के पड़े है, मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। और कुछ भी है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेलेगा, टीम में बना रहेगा, अच्छा कमाएगा, तो हमारी भविष्य सिक्योर होगी, तो इससे अच्छी बात क्या है। अच्छा, बेस्ट विशेष तो आप दे ही सकती हैं उनको, मतलब टीम इंडिया को, उनको बेस्ट विशेष। मैं टीम इंडिया को बेस्ट विशेष जरूर दूंगी, लेकिन उससे नहीं दूंगी। बिल्कुल। और अब थोड़ा सा आपकी मतलब पर्सनल जिंदगी के बारे में मैं दोबारा पे आना चाहूंगा। अभी जैसे आप मॉडलिंग में भी बीच में आई थी कि आप मॉडलिंग भी कर रही हैं, कुछ ने कहा कि शायद कुछ गानों की शूटिंग भी कर रही हैं, तो अभी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है अभी? प्रोफेशनल कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही। काफी सालों तक मैं इंडस्ट्री में रही हूँ, तो कभी भी हम मतलब जो जानने वाले हैं, फ्रेंड सर्कल है, तो उन्हीं लोगों से अपना चलो शूट करते हैं, तो चलो शूट करते हैं, बस यही। प्रोफेशनली कुछ नहीं करती, मतलब प्रोफेशनली अभी आप बिल्कुल दूर हैं, ग्लैमरस जिंदगी से बिल्कुल दूर हैं। बट अफवाह बहुत सारी फैल जाती है आपको लेके, कि अब एक तो सीधा सी बात आ जाती है, आपकी कोई भी तस्वीर देख के मजहब पे आ जाती है कि एक मुसलमान लेडी ऐसे कैसे कर सकती है, एक मुसलमान लड़की ये क्यों कर सकती है, एक मुसलमान लड़की ऐसे कैसे कपड़े पहन लिए। क्या सच में, मतलब आप बोलते हैं कैमरे के सामने, आप बोलती हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ फर्क पड़ता है, अंदर कुछ सोचते हैं आप, या कमेंट बिल्कुल देखते ही नहीं है, सोशल मीडिया कुछ देखती नहीं है? आप ही बताइए, मैं भी एक मतलब इंसान हूँ, आप भी एक इंसान है, बहुत सारे पढ़े लिखे इंसान है, बहुत सारे उच्च स्तर के और निम्न स्तर के लोग भी हैं, लेकिन आप बताइए कौन से अच्छे लोग कमेंट करते हैं? अगर कोई अच्छे लोग भी अगर कमेंट करते हैं तो उसके कमेंट करने का तरीका क्या होता है? मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो गटर के कीड़े जो रेंगते हैं, उस तरीके के जो लोग जिंदगी जीते हैं, वही टाइप के लोग आके गलत सलत कमेंट करते हैं, और किसे कमेंट नहीं करते? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कमेंट नहीं करते? हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को ये लोग कमेंट नहीं करते? हर किसी को कमेंट करते हैं। तो इस हिसाब से मैं कोई घरेलू लड़की नहीं थी, मैंने भी समाज को देखा है, मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है, तो समाज की असलियत को, समाज की गंदगी को, अच्छाई बुराई सब जानती हूँ मैं, इसी वजह से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना भी हो, मैं अपने मेरे क्या राइट्स हैं वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ एज ए इंडियन पर्सन, मतलब एज ए इंडियन मेरे क्या राइट्स हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी मुझे पता है। तो ये सारी चीजें, जब आप सारी चीजों को लेकर वाकिफ़ रहते हैं तो बहुत सारी चीजों का आप परवाह नहीं करते, फिर आप समझते हैं कि क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है, तो उस हिसाब से आपको लाइफ जीना भी आ जाता है। तो मुझे कभी इन लोगों पे बुरा नहीं लगता। हाँ, इस चीज का बुरा जरूर लगता है कि अगर 25% अनकल्चरल और लोअर क्लास के लोग या मीन माइंड लोग जो है आपको गलत कमेंट करते हैं, लेकिन 75% लोग आप अगर खरीद कर, हायर करके, टीम बनाकर अगर आप गाली गलौज करवाते हैं, तो इस चीज के लिए बुरा जरूर लगता है। लेकिन इसके लिए भी मैं जो वॉरिड हूँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ईश्वर पे, अल्लाह पे यकीन रखने वाली औरत हूँ, और मुझे लगता है कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। अगर इंसान गलत करके अगर किसी को सताने की कोशिश करे तो घूम फिर के वही कर्मा उसी के पास ही आता है। तो शमी अहमद के घर की औरतें शायद उसी तरीके की हैं और होंगी, इसी वजह से शमी अहमद उस तरीके का टीम बनाकर मुझे गाली गलौज करवाते हैं। दैट्स इट। अच्छा, अपनी ग्लैमर वाली जिंदगी को मिस करती हैं आप, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से आई हैं जहाँ पे ग्लैमर है, पैसा है, आप फेम है, क्या वो जो जिंदगी है, वो लाइफ है, मिस करती हैं अभी? मैंने आपको कहा ना कि मैंने समाज के बहुत सारे चरित्र को देखा है, अच्छाई भी देखा है, बुराई भी देखा है, इसलिए मैं किसी भी चीज के लिए मैं वॉरिड नहीं हूँ। मैंने ग्लैमर को देखा है, लेकिन ग्लैमर की गंदगी को भी देखा है।
मैंने फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, तो उस इंडस्ट्री में गंदगी भी बहुत सारी देखे हैं, गंदे लोग भी बहुत सारे देखे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा था कि शबी अहमद जैसा अगर प्यार मोहब्बत करने वाला एक अच्छा आदमी, जो उस टाइम वही मास्क लगाकर उसने मेरी लाइफ में एंट्री करी थी, तो मुझे संसार की तरफ ही जाना अच्छा होगा, ना कि इस समाज की गंदगी की तरफ जाना अच्छा होगा। तो इसी वजह से मैंने शमी अहमद का हाथ पकड़ा था। खैर, तो ना मैं शमी अहमद को मिस करती हूँ और ना ही इस समाज के किसी भी मतलब ऐसा स्तर को मैं मिस करती हूँ जहाँ पे मतलब इंसानियत की खून होती हो। शमी के जब आप साथ में थे तो आपने ट्रैवल भी बहुत किया होगा टीम इंडिया के साथ में, तो बाकी खिलाड़ियों से नहीं पूछूंगा, जो खिलाड़ियों की पत्नी थी उनके उनमें से किसके साथ आपकी सबसे अच्छी दोस्ती थी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शमी अहमद कभी भी नहीं चाहता था कि मैं टीम के साथ ट्रेवल करूं और मुझे कहीं वो टीम के साथ रखना, मिलाना, बातचीत करवाना ये भी नहीं चाहता था। हमेशा दूर रखना ही वो चाहता था, क्योंकि वो एक सो पीस के हिसाब से उसने मुझसे शादी करी थी, एज अ प्लानिंग उसने उसकी परिवार ने कि अगर इससे अच्छा मिल गया तो इसे हम छोड़ देंगे, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कौन आई कौन गई। और वो जिस तरीके का गंवार गवट्टा किस्म का आदमी था, वो अगर रिश्ता करके भी शादी करता तो उसकी खलेरी बहन बुरखे वाली, जो एक गांव की लैंग्वेज बोलना, एक पर्सनालिटी, एक वो जो मतलब वो एटीट्यूड या फिर वो मतलब बात करने का तरीका, उठना बैठना हाई स्टेटस में, वो सब नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से इसने मेरा पीछा लिया था कि इसको मैं अभी पकड़ के रख लेता हूँ, उसके बाद अगर इससे बेस्ट मिल जाएगी तो इसको वही गांव की लड़कियों की तरह मैं 3 तलाक दे दूंगा, घुर कर दूंगा, ये भाग जाएगी, उड़ जाएगी हमारी जिंदगी से, और कोई से पहचानता तो है नहीं कि ये मेरी बीवी है, फिर मैं दूसरी शादी करके अपने आराम से जो है जिंदगी जीऊंगा। तो उस हिसाब से मैं जब भी कोई टूर में जाती थी तो लड़ झगड़ के, लड़ाइयां करके मैं जाती थी कि मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तो 1-2 या 3 जगह ही मैं जबरदस्ती जा पाई हूँ। तो जाने के बाद भी मतलब ये हमेशा खुद उखड़ा उखड़ा रहता था, एक लड़ाई लड़ाई वाली सिस्टम बना के रखता था कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं आने के बारे में सोचूं तो मेरी एक्सपीरियंस खराब रहे, या फिर मुझे कोई हैप्पी फील ना हो कि मैं फिर से आने के बारे में सोचूं, तो इस तरीके का करता था। इसी वजह से ये हमेशा खुद भी अकेले रहता था और मुझे कमरे में बंद करके रखता था। फिर भी उस बीच जो है ज्यादातर रिद्धिमान शाह की बीवी के साथ भी मेरी अच्छी खासी बातचीत हो जाती थी, या फिर आयशा दी के साथ भी मेरी अच्छी खासी बात होती थी, उमेश यादव की वाइफ के साथ भी, मतलब कई सारे पिलर्स हैं जिनकी वाइफ्स के साथ मेरी अच्छी खासी बात होती थी, लेकिन वो जितना भी हो सकता था वो शमी नहीं है। हम ब्रेकफास्ट टेबल पे गए, वो ग्राउंड पे चला गया, हम ब्रेकफास्ट टेबल पे गए, उस टाइम हमारी बात हुई। अब ऐसे भी 2-3 ही टूर में गई हूँ तो ज्यादा इन लोगों से मेरी मुलाकात तो होती है। किसी से बातचीत अभी बातचीत होती है किसी से? नहीं, ये बीसीसीआई का इंस्ट्रक्शन उन लोगों को दिया गया था कि हसीन के साथ कोई कांटेक्ट ना करे, क्योंकि अगर मेरे साथ कांटेक्ट करती वाइफ्स तो एज ए लेडीज उन लोगों को भी गलत लगता, क्योंकि मैं मीडिया में जब शमी अहमद की ये चैटिंग, ये शमी अहमद जो अपनी प्राइवेट पार्ट का फोटो खींच के जो लड़कियों को भेजता था, वो फोटोग्राफ जो कुलदीप नाम का एक दलाल था जो शमी अहमद को वेश्याएं प्रोवाइड करता था उसका फोटो, तो ये मीडिया में रिलीज करने से पहले ये चीजें मैंने कुछ प्लेयर्स के वाइफ को भी पहले भेजा था, तो उस हिसाब से ये लोगों ने भी गुस्सा किया था और मुझे बोला भी था कि तुम बर्दाश्त मत करना इन सब चीज का, जो है तुम अच्छे से हसीन स्टेप लो, नहीं तो ये तो हिम्मत बढ़ी जाएगा इन लोगों का। तो इसी हिसाब से जब चीजें बढ़ती गईं तो बीसीसीआई का भी इंस्ट्रक्शन आया कि कोई भी इसके साथ कनेक्ट ना रखे, क्योंकि अगर वाइफ मेरे साथ खड़ी हो जाती, वाइफ्स अगर मेरे साथ खड़ी हो जाती तो फिर चीजें और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट होता, और भी ज्यादा चीजें बढ़ जाती। इसी वजह से उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि मुझसे कोई बात ना करे, मिले भी ना, और मैंने भी किसी से बात भी करने की मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मतलब अगर आप कह रही है कि वाइफ खड़ा होना चाहती थी आपके साथ बट बीसीसीआई के वजह से वो आपका साथ नहीं दे पाई। जी जी जी। अच्छा, जाते जाते एक सवाल, आप वर्ल्ड कप चल रहा है, देखिए ठीक है हिंदुस्तानी हम सभी और सभी भारतीय देश से प्यार भी करते हैं, अगर टीम इंडिया जीतती है तो और शमी उसमें अहम योगदान निभाते हैं फाइनल में, तो आपकी साइड से कुछ पॉजिटिव वाला
कमेंट पोस्ट सोशल मीडिया पे कुछ आएगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये जानती हूँ कि उसने मुझसे शादी करी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे और मेरी बच्ची का भरण पोषण करना। अब वो क्रिकेट खेल के करे, अच्छा परफॉर्म करके करे या बिजनेस करके करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे साथ उसका कोई अच्छा रिलेशन नहीं है कि मैं उसको बेस्ट विशेस दूंगी या फिर कॉन्ग्रेट करूंगी, ऐसा कोई भी मेरे दिल में नहीं है। अब इससे लोग अच्छा समझे बुरा समझे, आई डोंट केयर। इंडियन क्रिकेट टीम को तो करेंगे सपोर्ट, ऑब्वियसली सपोर्ट क्या करूंगी जब क्रिकेट ही नहीं देखती हूँ तो, लेकिन हाँ चाहूंगी कि हमारा देश का कोई भी टीम हो वो बेस्ट परफॉर्म करे और सब पूरा जीत और एक बहुत बड़ा जीत जो है हमारे भारत के नाम करे। तो ये थी हसीन जा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अब हसीन जा ने बताया, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने क्रिकेट देखना बिल्कुल छोड़ दिया है, इसके अलावा इन्होंने ये साफ भी कर दिया अगर टीम इंडिया जीतेगी तो साथ भी देंगे, जश्न भी मनाएंगे टीम इंडिया का, हालांकि वो किसी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए नहीं होगा, वो पूरी टीम के लिए होगा। तो बने रहिए आप न्यूज़ नेशन के साथ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।